जय हिंद, नमस्कार। मैं रोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल टारगेट गुरुकुल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम CUET के लिए डेली वीडियोस लेकर आ रहे हैं, उसी सीरीज में आप अगली कड़ी है हमारी जनरल साइंस की, क्योंकि जनरल साइंस GS का आपका अलग से पेपर होने वाला है, तो उसके लिए हम वन लाइनर क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ये PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पाए जाने वाला शक्करा है, तो शक्करा है लैक्टोज। अब आपसे पूछा जाए, ये दूध में हार्मोन, दूध में आपसे एसिड पूछा जा सकता है, कौन सा एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने वाला है, लैक्टिक एसिड। ठीक, अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न कह रहा है, मूत्र का निर्माण होता है, तो देखो जो आपका यूरिन होता है वो कहाँ पर बनता है, वक्र। वक्र मतलब किडनी, किडनी के ऊपर होती है ऐसे छोटे छोटे, वहाँ से एड्रेनल हार्मोन रिलीज होता है। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके क्वेश्चन में आगे देखते चलेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे लंबा कृमि यानी वर्म क्या है, टैप वर्म। ठीक है, प्रकाश वर्ष सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट लगाओ साथियों, इस क्वेश्चन को तो आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें मैं बताते जाऊँगा। ये प्रश्न कई बार आया है, पूछा जाता है प्रकाश वर्ष, इंग्लिश में कहेंगे लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। अब आपसे कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ष, और आपको पूछेगा कि ये किसकी इकाई है, दूरी की है, समय की है, तो आप अधिकतर लोग क्या करते हैं, समय की लगाते हैं। क्योंकि मैंने अभी पोल डाला था तो 1500 समथिंग वोट आए थे, उसमें 500 से ज़्यादा लोगों ने वर्ष को लगाया था, मतलब समय को लगाया था। तो प्रकाश वर्ष है आपकी दूरी की इकाई, किसकी दूरी, इकाई क्या होती है, यूनिट्स, जिससे हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं। ठीक है, इसके बाद कपड़ा सुखाने, ये वाला भी क्वेश्चन, ये आपका नेवी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। ठीक है, किस बल पर, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है आपका, एक अश्वशक्ति 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वाट। देखो वाट किसकी यूनिट होती है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आप जल्दी से कमेंट करिए, फिर मैं आपका आंसर देख के बताता हूँ। जो भी इसका सही आंसर देगा उसका नाम हम अगली वीडियोस में लेंगे। ठीक है, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, तो -4 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर होता है उसका घनत्व यानी डेंसिटी हाईएस्ट मैक्सिमम होती है, और आयतन मिनिमम होता है यानी वॉल्यूम न्यूनतम होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है, क्वार्क। ठीक है, क्वार्क क्या, एक और प्रश्न आ गया आपसे, मात्रक पूछा जा रहा है लेंस की क्षमता का, तो डायप्टर होता है। ठीक है, डायप्टर होता है लेंस की क्षमता का, पावर ऑफ लेंस इक्वल टू डायप्टर, याद रखना ये सारे प्रश्न। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है, तो पहले तो साथ ही आपको इंद्रधनुष के बारे में ऐसे देखो, प्रिज्म, एक मिनट सॉरी, प्रिज्म वाला ये क्वेश्चन आपने पढ़ा ही होगा, यहाँ से कोई लाइट जाती है और 7 में वो डिवाइड हो जाती है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। कैसे लिखते थे, विबग्योर, तो बीच में जो आपका आएगा 7, वो बीच वाला जो पांचवा मतलब होगा, जो चौथा होगा वो होगा आपका हरा। ठीक है, ग्रीन, तो ग्रीन लाइट होती है। अब आपसे यहीं पर एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो आपका आकाश है वो नीला दिखाई क्यों देता है, तो आपको बताना है कि जो नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो ब्लू कलर होता है, जो आपका नीला कलर होता है उसका जो वेवलेंथ होता है बहुत कम होता है, इसलिए वो स्कैटर्ड हो जाता है। और आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, तो आपको बताना है कि सूर्य इसलिए लाल दिखाई देता है क्योंकि जो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है बहुत ज़्यादा होती है और वो लंबी दूरी तय कर लेती है, इसीलिए आपने देखा वो रेड सिग्नल्स वगैरह जो होते हैं लाल रंग के बनाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी बताना बहुत आवश्यक होता है। रंग का प्रकीर्ण किस पर निर्भर करता है, तो मैंने आपको बताया वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, तरंग दैर्ध्य के ऊपर। रेटिना पर बना प्रथम कैसा होता है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो वास्तविक होता है और उल्टा वस्तु से छोटा होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है एंड ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के विपरीत, याद रखना है, जो आपके सूर्य के विपरीत बनेगा, अगर सूर्य इधर है तो इंद्रधनुष इधर बनेगा। ठीक है, विपरीत में बनता है। ये PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टारगेट गुरुकुल। ठीक है, टारगेट गुरुकुल। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है, तो विद्युत फ्यूज का मिश्रण बना, विद्युत फ्यूज किससे मिलकर बना होता है, तांबा, टिन और सीसा से मिलकर बना होता है।
क्या काम आता है कि अगर देखो लाइट अगर तेज आता है, करंट तेज आता है, तो ऑटोमेटिक गिर जाता है फ्यूज, क्योंकि उसको उतने उसका जो वायर होता है उसी तरीके से बनाया जाता है कि ज़्यादा हाई जो वोल्टेज आए उसको, क्योंकि जिससे कोई इंस्ट्रूमेंट ख़राब ना हो। ठीक है, सूर्य विकिरण के कारण आंतरिक यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया। क्योंकि देखो, जहाँ पर सूर्य का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, स्कैटरिंग नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल्स नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, वही स्कैटर्ड नहीं होगा, तो वहाँ पर कैसी चीज़ें होंगी? काली दिखाई देंगी। आपने देखा होगा कि रूम के अंदर लाइट ना होने की वजह से रूम काला दिखाई देता है। जब लाइट धीरे धीरे आने लगती है तो आपको देखेंगे उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे, तो उस पर क्या होता है? स्कैटरिंग होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो अवतल लेंस की तरह। वायु का बुलबुला कैसा होता है? देखो, पानी में ऐसे एकदम ऊपर की ओर ऐसे ही तो बनता है, तो ये कैसा हो गया? अवतल लेंस की तरह। ठीक है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, हीरा का चमकना तना तथा मृग मरीचिका का बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। कैंडला किसकी यूनिट है? तो ज्योति तीव्रता की। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है कैंडला। भूमि स्थल ग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दूसरा वाला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन। टंगस्टन को डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा इस प्रकार का बल्ब होता है। थोड़ा मैं, एक मिनट, मेरा ड्राइंग थोड़ा ख़राब है, बट आई विल ट्राई। देखो, मान लो ये बल्ब है कोई। ठीक है, यहाँ पे मान लो नीचे ऐसे करके बल्ब होता है, यहाँ पे दो वायर जाते हैं और बीच में यहाँ पे एक ये लगा रहता है, इसको कहते हैं टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो नाभिकीय शयन। ठीक है, न्यूक्लियर फिशन होता है उसके अंदर। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या? क्यूरी, क्योंकि मैडम क्यूरी ने ही इसको, रेडियो एक्टिविटी सबिस्टेंस को खोजा था। ठीक है, रॉकेट की गति, एक मिनट, सॉरी सॉरी साथियों, रॉकेट की गति का आधारित है शंभीक संरक्षण। ठीक है, शंभीक संरक्षण, ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। फिजिक्स से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। अगर देखो, पीसीएम यानी कि आपका जनरल साइंस आपसे पूछे यार पीसीबी, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके फिजिक्स और बायो से होते हैं। केमिस्ट्री से रेयर क्वेश्चन होते हैं। मान लो 25 क्वेश्चन आने, तो 10 10 इनसे आएंगे, 5 केमिस्ट्री से आएंगे। लेकिन मैंने इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री सबको रखा है, और अगली वाली वीडियोज़ में मैं आपको सेपरेट सेपरेट दूंगा। ठीक है, मूल रंग कहलाते हैं। तो मूल रंग जो कौन कौन से रंग होते हैं, उनसे बाकी रंग तो मिलकर बनाए जाते हैं। तो याद रखना, नीला, ब्लू, रेड और ग्रीन, ये तीन कलर होते हैं, बाकी सारे कलर इनसे मिला मिला कर बनाए जाते हैं। ठीक है, सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस के प्रयोग से। निकट दृष्टि दोष मतलब कि नियर साइडनेस, किससे दूर किया जाता है? अवतल लेंस से। और दूर दृष्टि उत्तल लेंस के प्रयोग से। एक होता है जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं, ना दूर का दिखाई देता है ना पास का, तो उसमें बाईफोकल लेंस लगाया जाता है। कौन सा लेंस लगाया जाता है? बाईफोकल लेंस, जिसमें क्या कि बीच में आपका उत्तल लगा देंगे तो बगल में अवतल लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से होता है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, और सूर्य किस पर था? नाभिकीय सर किस पर था? भूल गए इतनी देर में, नाभिकीय संलयन पर। हाँ, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, भूल गए क्या सोचे थे। परमाणु बम ये बता दिया। बिजली के बल्ब का प्रयोग किया जाता है अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती है? आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन, ये सारी कौन सी गैसें? अक्रिय यानी कि नोबल गैसेस, जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती हैं। तो बिजली के बल्ब में उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो ठोस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ठीक है, ध्वनि की गति धीमी होती, तो हवा में ध्वनि की गति धीमी हो जाती। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक आपसे पूछा जा रहा है कि एनर्जी का क्या है, तो आप याद रखना जूल होता है, और ऐसा ही मात्रक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो एनर्जी। ठीक है, ये प्रश्न आपके नेवी एग्जाम में भी आते हैं। तो थोड़ा देखो, आप 12th के साथ केवल यूनिवर्सिटी पर डिपेंड नहीं रहना है, थोड़ा कॉम्पिटिशन भी देखो बढ़ रहा है, तो दिन प्रतिदिन तैयारी को अपनी अच्छी रखी जाए। हाइड्रोजन बम आधारित होता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। ठीक है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल। वर्षा का जल आपका डिस्टिल्ड वाटर, इसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। ठीक है, लेकिन क्या है कि अब जो वर्षा होती है उसमें जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस हैं वो मिक्स हो जाती हैं, और वो एकदम एसिड बन जाता है।
ठीक है, तो आपने एसिड रेन के बारे में भी पढ़ा होगा, वो भी बातें आपको बता दी जाएंगी। ग्रीन हाउस का प्रभाव गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड, दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान जांच करने के प्रयोग में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर साथियों आप अगर मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे टीम रोहित तोमर, यही इंस्टाग्राम पर सर्च करना है टीम रोहित तोमर, वहाँ आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। नाभ के विखंडन में प्रयोग होता है यूरेनियम, ठीक है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 होता है, ये आपको मैं पहले प्रश्न में भी कराया हूँ। द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा, पारा एक ऐसी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। सुराही का पानी ठंडा होता है बाष्पीकरण के कारण, ठीक है। विद्युत धारा मापा जाता है, तो विद्युत धारा यानी करंट को किससे मापते हैं, अमीटर, ठीक। अदिश राशियां, अदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं, अदिश और सदिश, सदिश दो राशियां होती हैं। अदिश राशियां होती हैं स्केलर क्वांटिटीज, सदिश राशियां होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर को स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके अंदर डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कार्य है तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, ऐसा तो नहीं है कि काम करो आगे से पीछे की ओर, ऐसे तो नहीं बोला जाता ना। तो याद रखना कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल, आपसे ये दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है। लेकिन जो सदिश राशियाँ होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनमें होता है, जैसे कि बल, बल लगाओ आगे से पीछे की ओर, ऐसे बोला जाता है। विस्थापन, विस्थापन मतलब कि आपसे पूछा जाएगा इस डायरेक्शन में विस्थापन, संवेग, ये सारे क्या है, सदिश राशियाँ, याद रखना। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगवेद होता है क्रम से लाल तथा बैंगनी रंग का, ठीक है। सबसे अधिक और सबसे कम, सबसे अधिक होता है आपका लाल का, सबसे कम होता है बैंगनी रंग का। सर्वाधिक प्रत्याष्ट पदार्थ है स्टील, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, सबसे कठोर धातु होती है। परमाणु के नाभिक में रहते हैं, तो देखो परमाणु कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जिसमें एन और पी यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन यहाँ पे होते हैं और आपकी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, याद रखना। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। नन स्टिक बर्तनों की परत बने हैं टेफ्लॉन के। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन, रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती। गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है, आपको पता है हीलियम गैस सबसे हल्की गैस है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। जल को अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के वाई कार्बोनेट में घुले रहना, ठीक है। पानी की स्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत, इसको गैल्वनाइजेशन मेथड भी कहते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी, लेकिन चांदी इतनी महंगी है कि लोग चांदी का प्रयोग नहीं करते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में या तो सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा कराई जा सकती है। लोहा निकल एंड क्रोमियम मिश्र धातु कहलाती है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में स्टील ही प्रेजेंट नहीं होती है, याद रखना। हड्डी और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। शोल्डर यानी टांका, शीशा एवं टिन का मिश्रण होता है।